नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी मछली का लीवर। तो मैं किस तरह करके बनाती हूँ, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं मछली का लीवर ली हूँ, आज इसी का रेसिपी बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको साफ करके धो लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मछली का लीवर को मैं अच्छे से साफ करके धो ली हूँ और छोटा छोटा काट भी ली हूँ। ये दो मछली का लीवर था, एकदम बड़ा बड़ा मछली का, और छोटा छोटा काट ली हूँ। देखिए इस तरह करके इसमें एक आलू भी ऐड करूँगी। तो पहले इसमें मैं नमक हल्दी लगा लेती हूँ। नमक हल्दी अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब फ्राई करती हूँ। कढ़ाई गरम हो गया है, तेल दे देती हूँ। पचफोरन दे देती हूँ। मैं तेल कम ही डालूंगी क्योंकि लीवर से बहुत तेल निकलेगा। अब मैं कटी हुई प्याज दे देती हूँ। प्याज को हल्के से फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज को मैं हल्का सा फ्राई की हूँ, तब मछली का लीवर को दे देती हूँ। और लीवर को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, लीवर को मैं फ्राई कर ली हूँ। लीवर में इस तरह करके जब बुलबुले आने लगेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि लीवर फ्राई हो गया है। अभी थोड़ा सा बाकी है, इसी में मैं उबले हुए आलू को छोटा छोटा काट ली हूँ, इसे दे देती हूँ। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। अब मैं 2 मिनट तक इसके साथ फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारा चीज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और देखिए कितना तेल निकला है। तो इस तरह करके बनाइएगा आलू डालकर, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैं सिंपल ही बनाई हूँ, आप चाहे तो मसाला डाल सकते हैं, इसी तरह भी बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो देखिए बन के रेडी हो गया। तो अब मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मछली का लीवर बन के रेडी है। तो मैं प्लेट में सर्व भी कर दी हूँ। तो एक बार मेरे तरीके से बना के खाइएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, फ़ायदेमंद भी है। तो मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो में।